दोस्तों आज हम फिर आपकी सेवा में लेकर हाजिर है जानवरों के कारनामों से जुड़ी एक ऐसी अनोखी वीडियो जिसको देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाओगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। जंगल से निकलकर ये हिरण पता नहीं यहाँ पर क्या लेने आया था, लेकिन इसका सामना एक कुत्ते से हो गया, जिसके बाद ये हिरण बेवजह इस कुत्ते को धमकाना शुरू कर देता है। ये भगवान क्या जुलुम है। अरे भाई इतना भी कौन धमकाता है, इतना तो हमें मास्टर जी स्कूल में भी नहीं धमकाते थे जितना ये हिरण इस बेचारे कुत्ते को धमका रहा है। तो ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों बे कुत्ते, तूने बंदर को हल्के में लिया था ना, अब भुगत इसका परिणाम। वाह भाई बंदर, तूने भी कुत्ते की अच्छे से बैंड बजा डाली, अब ये आगे से किसी भी बंदर से पंगा नहीं लेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आलस्य मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब सामने मगरमच्छ बैठा है, लेकिन ये भाई साहब आराम से अपने टेंट के अंदर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ये शेर पेड़ पर चढ़ तो गए, लेकिन पेड़ पर चढ़ने से पहले पेड़ की क्वालिटी चेक करना भूल गए। अब मिलिए इन कुत्तों से, जो कि पता नहीं कौन से नशे के जोश में इस हाथी की ओर जाते हैं, लेकिन हाथी की एक ही चिंगार से इनकी फटके हाथ में आ जाती है और वापस दौड़े चले आते हैं। दोस्तों ये एक किंगफिशर है जो कि उड़ते समय इस कटहल में आकर फंस गया था, क्योंकि इनकी चोंच काफी लंबी होती है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे ये आदमी देख लेता है और इसकी जान बचा लेता है, वरना कई किंगफिशर तो ऐसे ही मारे जाते हैं। वैसे इन कुत्तों का जोश भी कुछ कम नहीं है, जो कि इस हिरण से जाकर भिड़ जाते हैं। हालांकि पहले वाले कुत्ते को तो ये हिरण जोर के वार से पीछे करता है और फिर दूसरे वाले के ऊपर भी एक जोरदार लात जमाता है, लेकिन ये ढीठ कुत्ते नहीं मानते हैं और जब तक हिरण दौड़कर पानी के अंदर नहीं जाता है तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब वीडियो में जो आपको ये छोटा सा जीव इस सांप से लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई गिलहरी नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। यहाँ पर ये सांप इस बंदर का शिकार करने आया है, लेकिन ये बंदर तो इस सांप से ही पंगा ले रहा है और बार बार इस सांप को धूल चटा रहा है। बेचारा सांप भी सदमे में होगा। पहाड़ से छलांग लगाते हुए ये हैं जंगली सुअर, जो कि यहाँ से सीधा नीचे की ओर कूद रहे हैं, और इस दौरान ही जंगली सुअर उल्टे सीधे भी गिरते हैं, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते हैं और इतनी ऊंचाई से बिना किसी डर के कूद रहे हैं। अगले वीडियो में ये जंगली बिल्ली इस जीव की पीठ पर बैठे इसके बच्चों का शिकार करने आई है। हालांकि ये बिल्ली इसके चारों ओर घूमती रहती है ताकि इसे मौका मिलते ये इसके बच्चों का शिकार कर ले, लेकिन इस दौरान ये माँ काफी सतर्क होती है और अपने एक भी बच्चे को आँच नहीं आने देती है। यहाँ पर एक ईगल इस मुर्गी के ऊपर हमला करता है और इसे दबोच लेता है, पर तभी वहाँ पर दूसरा मुर्गा आकर इसको बचाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि जब इसकी भी बात नहीं बन पाती है तो यहाँ पर एक बकरी की एंट्री होती है, जो कि आते ही इस ईगल के ऊपर हमला करती है और ईगल को भागने पर मजबूर कर देती है। सैकड़ों पक्षियों का जमीन पर नीचे उतरते हुए नज़ारा अमेरिका के टेक्सास शहर का है, जो कि वाकई में काफ़ी हैरान कर देने वाला है। Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil. तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।